सोच रही है जो अपने थे आज वो पराए हो गए। याद रखना भक्तों, बने बने के तो सभी साथी होते हैं, बने बने में पराए भी अपने हो जाते हैं, और जब अपनी बिगड़ती है ना तो अपने भी पराए बन जाते हैं। लेकिन याद रखना भक्तों, समय बड़ा बलवान होता है, समय से कोई जीत नहीं सकता। मेरे भक्तों, होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। हे मानव, क्यों दूसरे को ताने देता है? क्योंकि होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। मेरे भक्तों, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती। समय 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 तेरी बलिहारी, और राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। समय बलवान है कि चाहे तो खाक से लाख कर दे, और चाहे तो लाख से खाक कर दे। मेरे भक्तों, आज मैया देव की भगवान को याद करती है, क्योंकि भक्तों याद रखना, दुनिया वाले ठुकरा दें, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएं, चाहे सारी डालियां टूट जाएं, चाहे अपने रूठ जाएं, यदि भक्तों दुख में जो प्राणी भगवान को याद करता है, उसकी भगवान जरूर टेर सुनते हैं। क्योंकि भक्तों, दुनिया वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है जो धोखा नहीं देता है। अगर दुनिया वालों से प्रीत करोगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, और भगवान से प्रीत करोगे तो भगवान कहता है कि इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि सारे संसार में वो खुशियां फैल जाएंगी। मेरे भक्तों, आज मैया देव की भगवान को याद कर रही है। अक्षमात भगवान नारायण भागे, क्या किया मैया देव की ने? देखा कि जेल की जो दीवार थी, उस दीवार के ऊपर छोटा सा उजाला लगा, छोटा सा गोला दिखा जिसमें प्रकाश था, वो गोला धीरे धीरे बड़ा हो गया। उस गोले में लिखा था आम ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म। आवाज आई देव की, मैया घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें धैर्य बनाने के लिए आया हूं, और मुझे मालूम है कि तुम कितनी परेशान हो। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये बड़े निर्मोही है, लेकिन तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कड़कड़ पत्ते पत्ते में वास करता हूं। आप रो नहीं, कुछ देर के बाद मैं तुम्हारे पास भी अवतार लेकर के आऊंगा, मुझे जेल में मत रखना, क्योंकि मुझे गोकुल में पहुंचा देना, क्योंकि मैया मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे लीला करनी है। मेरे भक्तों, इतनी बात कह करके भगवान मां से अंतर ध्यान हो गए, मैया देवकी और वसुदेव बेहोश हो गए। होश आया तो देखा पास में छोटा सा बेटा लेटा हुआ है। आज मैया ने उस बेटा को उठाया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सामने से देखा कुछ है ना भैया, फल दे दी, फल दे देना। और ये हमारे गले में एक हार आया है मुद्राओं का, हमारे माननीय भैया राजू भैया जी के पुत्रों की तरफ से हमारे गले में ये मुद्राओं के हार आए हैं, माननीय राजू भैया के पुत्रों की तरफ से। भगवान से कामना करूंगी, हे प्रभु, लवकुश जैसी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भगवान से कामना करेंगे, प्रभु इन छोटे छोटे भाइयों को सत्बुद्धि प्रदान करते रहना, मां शारदे कृपा दृष्टि बरसाती रहें, यही कामना करूंगी छोटे छोटे भाइयों के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।